अक्सर लड़के एक गलती करते हैं, वो किसी भी लड़की से मिलते हैं तो उसकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं, उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगते हैं, लड़की के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। वो जानने की कोशिश नहीं करते कि लड़की का मूड कैसा है, वो तो बस अपना पिटारा लेकर शुरू हो जाते हैं। तुम्हारी आँखें नशीली है, तुम इतनी गोरी कैसे हो, तुम्हारे बाल कितने सुंदर है। अरे रुको यार, अभी तुम अच्छे से मिले ही कहाँ हो, तुमने तो लड़की का जन्म कुंडली निकाल ली। ऐसी हरकतें करते ही लड़की तुम्हें चालू लड़का समझने लगती है और किसी न किसी बात का बतंगड़ बनाकर तुम्हें छोड़ देती है। कल का लेक्चर इस बात को बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करता है। आप पहली मुलाकात में सिर्फ लड़की का नाम ले सकते हो, इससे ज्यादा लड़की से कुछ मत पूछो, ना एड्रेस पूछो, ना उसका नंबर मांगो, और ना ही पूछो कि दोबारा कब मिलोगे। हाँ, अगर लड़की खुद होकर नंबर देना चाहे तो तुम नंबर ले सकते हो। बहुत सारे लोग जिनकी बातें बंद हो गई थी, लड़की का नाम लेते ही उनके बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। एक बंदे ने कमेंट करके कहा, वो पहली बार FB पर लड़की से कहा हेलो हाउ आर यू नेहा, तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, लड़की बहुत ही ज्यादा घुल मिल गई। लड़की ने कहा मेरे पापा मुझे नाम से बुलाते थे और आप जब मेरा नाम लेते हो तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, घर में सभी मुझे रानी कहकर बुलाते हैं, रानी नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप नेहा करके बात करते हो तो बहुत अपनापन फील होता है। उन्होंने उसी दिन नंबर एक्सचेंज किया और नेक्स्ट डे मिलने वाले हैं। उसके आगे क्या हुआ वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है नाम कैसे लेना है। आज मैं तुम्हें 3 चीज़ें सिखाऊंगा। सबसे पहले तारीफ कैसे करते हैं, तारीफ कब करना चाहिए और तारीफ किसकी करनी चाहिए। यूँ तो आप किसी की भी तारीफ कर सकते हो, उसके काम को अप्रिशिएट कर सकते हो, लेकिन रिलेशनशिप चाहते हो तो तारीफ करने से थोड़ा बचना। अगर आप लड़की हो तो आपने देखा होगा, अगर आप किसी लड़के का तारीफ करते हो तो वो ज्यादा ही एटीट्यूड में आ जाता है और आपको वैल्यू देना कम कर देता है, खुद को ज्यादा ही बिजी दिखाने की कोशिश करता है और आपको इग्नोर करने लगता है। आप जब लड़के का ज़्यादा तारीफ करते हो तो लड़की को लगने लगता है ये लड़की तो पढ़ चुकी है, अभी इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, तो वो दूसरी पर ट्राई करने लग पड़ता है। हाँ, 90% मामलों में कोई ना कोई फालतू बहाना बनाकर लड़का आपको छोड़ देता है, या पहले जैसा रिस्पेक्ट नहीं करता, आपके बातों को उतना ज़्यादा रिप्लाई नहीं करता, या आपको ऐसे फील कराता है कि आप एक कैरेक्टरलेस लड़की हो। लड़के अगर लड़की की तारीफ करते हैं तो लड़की समझ जाती है ये मुझे इम्प्रेस करने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है। लड़कियां समझ जाती है तुम्हें कोई यूनिक तारीफ करनी होगी जो लड़की ने कभी ना सुनी हो। उसकी आंखों की तारीफ, उसके बालों की तारीफ वो हजारों बार सुन चुकी होगी, उसकी एक यूनिक तारीफ करो जो उसने पहले कभी ना सुनी हो। तुम्हारी तारीफ यूनिक होनी चाहिए और तुम्हारी तारीफ की कीमत तभी है जब तुम कम तारीफ करते हो। कुछ लड़के तो तारीफों का दुकान लेकर बैठ जाते हैं, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी बातें, वो तो लड़की से जब भी मिलते हैं बस यही करते रहते हैं। लड़कियां ऐसे लड़कों से चिढ़ जाती हैं। हमेशा हल्के से हल्के सिग्नल के लिए तैयार रहो। लड़कियां बहुत ही हल्के सिग्नल देती है, नोटिस करो वो कैसे खड़ी है, कैसे मुस्कुरा रही है, कैसे तुम्हारे बातों को सुन रही है। अगर लड़की दिलचस्पी दिखा रही है तो तुम उसकी तारीफ कर सकते हो, अगर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें कर रही है तो उसको तारीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सही टाइमिंग पकड़ना आना चाहिए, 3-4 बार बुराई कर दी और एक बार तारीफ कर दो। उस तारीफ की कीमत बढ़ जाती है जब तुम लड़की की 3-4 बार बुराई कर लो, और बुराई भी मजाक में करना है। मान लो वो सामने से आ रही है तो तुम कह सकते हो कभी नहा कर भी आ जाया करो, ये तुम मजाक में कह रहे हो। 3-4 बार उसकी बुराई कर दी, फिर एक बार उसकी तारीफ कर दो। 3-4 बार ऐसे बुराई करने के बाद एक बार उसको बोल दो तुम्हारे हाथ बड़े सुंदर हैं और नाखूनों पर नेल पेंट बहुत अच्छा लग रहा है। इसे तुम ये भी समझ पा रहे होंगे तारीफ किसकी करनी चाहिए। तारीफ फ्रेंड्स की करो, किसी अनजान लड़की से जाकर मत कह देना तुम्हारे हाथ बहुत सुंदर है, वो वही हाथ से तुम्हारे कान के नीचे बजा देगी। तारीफ फ्रेंड्स की करो जिससे तुम 3-4 बार मिल चुके हो। अब तारीफ कैसे करनी है, पहले तो यूनिक तारीफ करो, यूनिक तारीफ ना हो तो तारीफ मत करो। तुम उसे ऐसी चीजों के बारे में तारीफ कर सकते हो जिसके लिए वो खुद में कमी महसूस करती है। मैंने एक लड़की से कहा था तुम्हारे चेहरे पर जब डिंपल पड़ता है ना वो बहुत प्यारा लगता है। पहले हमारे यहाँ ऐसा माना जाता था कि डिंपल जेनेटिक डिसऑर्डर है, इससे लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं या उनके बॉडी में कोई डिफेक्ट है, आपने भी ऐसा सुना होगा। तब तो लड़की ने मुझसे कहा मुझे मेरे चेहरे पर डिंपल पसंद नहीं है, मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे चेहरे से डिंपल हट जाए, मैं जब भी मुस्कुराती हूँ तो ये दोनों गड्ढे दिखते हैं। मैंने कहा ये तुम्हारा लुकआउट है, मेरी माने तो तुम्हारे चेहरे का डिंपल बहुत ही खूबसूरत लगता है, मैं तुम्हारे डिंपल की वजह से मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। तब तो उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया, लेकिन बाद में उसका कॉन्फिडेंट बढ़ा और वो मुझसे कुछ ज्यादा ही चिपकने लग पड़ी। आज तो आप भी जानते हैं ना कि डिंपल कितना डिमांडेड है, दीपिका, प्रीति जिंटा डिंपल की वजह से इतनी खूबसूरत लगती है। आज भी वो इसी वजह से मेरी रिस्पेक्ट करती है कि मैंने उसकी डिंपल की तारीफ की। जिस चीज को सबने बुरा कहा मैंने उसी चीज को उसकी खूबसूरती बना दी। वो कहती है तुम्हारी वजह से मैं खुद को इतना कॉन्फिडेंट फील कर पा रही हूँ। अगर तुम्हारा पोजिशन चेंज हो जाता है तो तारीफ का लहजा चेंज हो जाना चाहिए। कुछ ठरके बुड्ढे होते हैं जो लड़की से कहते हैं बेटा तुम बड़ी हो गई हो,
ऊपर से मोटी नीचे से पतली हो गई हो, ऐसे कभी नहीं बोलना है। अगर तुम्हारा पोजीशन ऊपर है, तुम बॉस हो, तो तुम्हारा तारीफ का लेवल भी चेंज हो जाना चाहिए। जैसे मान लो तुम टीचर हो, लड़की तुम्हारे पास कॉपी चेक कराने आई है, तो तुम ऐसा पूछ सकते हो, ये क्या लिखा है, ये कैसा है। वो कहेगी ये ऐसा है तो मैंने इसको ऐसा लिखा, तो तुम उसको बोल सकते हो, हाँ अच्छा ऐसा है, आपकी राइटिंग बड़ी सुंदर है। आप इस तरीके से उसकी तारीफ कर सकते हो। नेगेटिव तारीफें लड़कियों को बहुत ज्यादा जबरदस्त असर करती है।